नमस्कार प्यारे दोस्तों और साथियों, इंडियन इकोनॉमी के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। इससे पहले इंडियन इकोनॉमी के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने उन 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर चले जाइए, वहां पर आपको इंडियन इकोनॉमी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में वो 3 लेक्चर एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल है, जो घंटी है, उसे याद से दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसमें हम जो है बात करेंगे जीडीपी के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे जीएनपी को, फिर हम समझेंगे एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे पीसीआई को, और उसके बाद हम जो है समझेंगे नॉमिनल जीडीपी को और रियल जीडीपी को। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको हम समझेंगे। तो इस लेक्चर में हम इन्हीं सब टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसे समझने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ता है और मुश्किल से ही कुछ लोगों को यह समझ में आता है। तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आपको एक एक चीजें ठीक प्रकार से समझाने की। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जीडीपी से, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे। तो परिभाषा क्या कि किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, यानी कुल मॉनेटरी वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीडीपी। यानी किसी एक देश के अंदर किसी दिए गए अवधि में, तो यहां भारत में एक वित्तीय वर्ष हम जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। तो जनरली हर जगह 1 वर्ष ही होता है। तो उस दौरान किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। जो भी देश के सीमा के अंदर गुड्स जनरेट हुए, सर्विसेज जनरेट हुई, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू है वही जीडीपी है। अब कुछ टर्म इसमें है उसको हम समझ लें। देखिए सबसे पहले तो ये लिखा है कि किसी देश की सीमा के भीतर, तो हम जैसा कि भारत के नागरिक हैं तो हम भारत को ही समझते हैं, ठीक है, ये भारत की सीमा हो गई। तो भारत की सीमा के अंदर, इंडिया के सीमा के अंदर जो भी जितनी सर्विसेज जनरेट हुई, गुड्स जनरेट हुए, उन सब का जोड़ जो है, जो मॉनेटरी वैल्यू है वही जीडीपी होती है सीमा के देश के अंदर। तो अब किसी देश की सीमा के अंदर ऐसा तो नहीं है इस वैश्वीकरण के समय में कि केवल देश के नागरिक ही उत्पादन कर रहे हैं। क्या भारत में केवल भारत के नागरिकों की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, या वही जो है आय कमाते हैं या वही व्यय करते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे यहां अमेरिकन है, रशियन है, जर्मन है, अंग्रेज है, हर लगभग सभी देशों के नागरिक यहां हैं, उनकी कंपनियां हैं, भारत की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है विदेशियों की है। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कंपनी भारतीय है या फिर जो है वो विदेशी है, वो नागरिक भारतीय है या फिर विदेशी है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा बस मतलब ये है कि अगर भारत का ये जो इकोनॉमिकल बॉर्डर है, जो भारत की आर्थिक सीमा है, उसके अंदर उत्पादन अगर हुआ तो वो हमारी जीडीपी है। ये समझ में आ गया, भारत की सीमा के
अंदर जो होगा, अब वो चाहे नागरिकों के द्वारा उत्पादन हो या गैर नागरिकों के द्वारा उत्पादन हो, वो हमारी जीडीपी है। तो अब फिर से पढ़ता हूं, आपको लगा होगा कि ये क्यों छोड़ दिए। किसी देश की सीमा के भीतर निवासियों और गैर निवासियों, ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ, द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। तो अब यहां पर एक शब्द आ गया, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो ये अंतिम वस्तु और सेवा क्या है, इसे भी समझ लीजिए, जिसे हम कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फाइनल क्या है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। तो हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे एक किसान है जो कि कपास उगाता है, ठीक है, तो इसने कपास उगाया और 1000 रुपए में उस अपने कपास को एक धागा बनाने वाली कंपनी को बेच दिया, ठीक है। 1000 रुपए का कपास इसने किसे बेच दिया, धागा बनाने वाली कंपनी को। धागा बनाने वाली कंपनी ने इससे कपास से धागा बनाया और आगे इसने 2000 रुपए में उसे जो है बेच दिया एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी को, धागे को बेचा। कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने धागे से कपड़ा बनाया और उसे जो है 3000 रुपए में फाइनल कंज्यूमर को, जो उपभोक्ता है, उसको बेच दिया, ठीक है। तो अब यहां फाइनल गुड्स क्या है, ये 3000, यही फाइनल गुड्स है जो कंज्यूमर के पास गया, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं कि फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम मेजर करते हैं, तो वो ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम दोहराव से बचना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देखिए अब अगर ये 1000 हम जोड़ देंगे, फिर ये 2000 जोड़ देंगे, फिर ये 3000 जोड़ देंगे, तो ये कुल 6000 हो जाएगा। तो क्या इसकी वैल्यू 6000 है, नहीं, 1000 कपास के किसान ने बेचा धागे वाले को तो उसका 1000 है, फिर धागे वाले ने 1000 में खरीदा और फिर उसमें 1000 वैल्यू एड किया तो 2000 हुआ, तो 1000 प्लस 1000 हुआ और 2000 के धागे में वैल्यू एड किया कपड़े वाले ने और उसे आगे बेच दिया 3000, तो ये 1000 हो गया, ठीक है। तो ये कुल वैल्यू हुई 3000, इसीलिए हम फाइनल गुड्स को इसमें जो है रखते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब जो है एक जीडीपी से जुड़ी हुई बात और समझ लीजिए कि जीडीपी में जो घरेलू सेवा है, जैसे घर में जो महिलाएं काम करती हैं, जो महिला पुरुष दोनों ले लीजिए, भाई कई लोगों को लग जाएगा कि ये तो ठीक है, तो घरेलू जो हमारे कामकाज है वो सब जीडीपी में नहीं जोड़े जाते हैं। तो एक बात ये चर्चा चलती है कि भाई ये इतना बड़ा सेक्टर हो गया है घरेलू कार्य और वो हमारे जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है, घर में जितने भी काम, खाना बनाना, झाड़ू मारना, बर्तन साफ करना सब। तो ये हमें समझ में आ गया। तो अब हमने जीडीपी समझ लिया, तो अब हम समझना चाहेंगे कि जीएनपी क्या होती है, ठीक है। तो पहले एक बार परिभाषा हम देख ले। तो जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में अगर कहें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो किसी देश की सीमा के अंदर या बाहर, अब देखिए यहां पर मैंने आपको फोकस किया था कि देखिए देश की सीमा को ध्यान रखिए, देश की सीमा के अंदर जो उत्पादित होगा, लेकिन यहां क्या कहा गया, किसी देश की सीमा के अंदर हो या बाहर हो, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है। तो ये तो हमारा जीडीपी का डिस्कशन हो गया था अभी, जिसे मैंने मिटाया। अब जीएनपी क्या कह रहा है कि देश की सीमा के अंदर उत्पादित हो या बाहर उत्पादित हो, पूरी दुनिया में हो, पूरे विश्व में हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब केवल एक बात से है, वो बात क्या है, किसी देश की सीमा के अंदर या बाहर उस देश के निवासियों, किसी भी देश की जगह हम भारत को ले लें, हम भारत की बात करें, तो किसी देश की सीमा के अंदर या बाहर उस देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है जीएनपी। तो बस यहां फर्क इतना है कि यहां हमने सीमा देखा, बाउंड्री देखी, देश की बाउंड्री के अंदर जो उत्पादित होगा वो निवासी करे गैर निवासी करे मतलब नहीं, यहां हम केवल एक चीज देखते हैं, नागरिकता। तो
वो व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है और वो पूरी दुनिया से जो भी कमा कर लाता है भारत में, वो क्या है, भारत की जीएनपी है। इसीलिए तो इसे कहा जाता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी में हम नागरिकता को ध्यान में रखते हैं और भारत का नागरिक। अब जैसे टाटा की कंपनियां हैं, विदेशों में काम करती हैं, हमारे देश के जो है करोड़ों नागरिक खाड़ी के देशों में काम करते हैं और वहां से वो पैसे भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, हिंदी में प्रेषण कहते हैं। हम जानते हैं लाखों लाखों भारतीय अमेरिका में जो है बसे हुए हैं, यूरोप में जो है लाखों भारतीय काम करते हैं। तो ये क्या है, इन सबकी आय को हम जोड़ेंगे जीएनपी में, ठीक है, हम नागरिकता देखेंगे। इससे पहले जीडीपी में क्या देखते थे, बाउंड्री देखते थे, ठीक है। तो देश के नागरिकों ने, यानी भारत के नागरिकों ने पूरी दुनिया में जो भी कमाया वो सब क्या है, भारत की जीएनपी, भारत का ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है वो जीएनपी, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि जीडीपी क्या है और जो है ये जीएनपी क्या है। एक उदाहरण हम फिर से लेंगे, जैसे हमने बताया कि भारत का नागरिक अमेरिका में जो है काम करता है, तो जब अमेरिका अपनी जीडीपी बनाएगी तो भारत के नागरिक की आय को जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी, भारतीय कंपनियों की आय को जोड़ेगी कि नहीं, उनके उत्पादन को जोड़ेगी नहीं, तो वो जोड़ेगी। क्यों, मैंने आपको बताया ना कि बाउंड्री का ख्याल करना है, किसी भी देश, भारत से तो मतलब नहीं, हमने एक उदाहरण ले लिया था, अमेरिका भी अपने जीडीपी में, चाहे वो भारत का हो चीन का हो, अगर अमेरिका के अंदर उसने उत्पादन किया तो वो अमेरिका के जीडीपी में जुड़ेगा। लेकिन जब अमेरिका अपनी जीएनपी बनाएगी तो उसको जो है घटा देगी। तो इसका फार्मूला क्या है वो समझ लीजिए, तो थोड़ा पिक्चर और आपको जो है क्लियर हो जाए। तो जीएनपी, रुके इसे मिटा लेते हैं तो ठीक से समझ में आएगा, कुछ टर्म लिखने हैं। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो अब एक्स क्या है पहले उसे समझ लीजिए, एम क्या है उसे समझ लीजिए, फिर तो और बातें आपको कहा बताता हूं। तो देशवासियों द्वारा द्वारा विदेशों में अर्जित आय, ठीक है, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, ये क्या है, ये एक्स है, और एम क्या है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, देखिए। अब जीडीपी में क्या करना है कि जीडीपी में पूरी दुनिया में भारतीयों ने जो आय प्राप्त की उसे क्या करना है, जोड़ देना है, और भारत के अंदर जो विदेशियों ने आय प्राप्त की उसे हमें घटा देना है। यही करना होगा कि जीडीपी में पूरी दुनिया में जितना भारतीयों ने कमाया है उसे जोड़ दीजिए, और भारत के अंदर विदेशियों ने जितना जोड़ा है उसे जो है घटा दीजिए। जो विदेशियों ने भारत के अंदर कमाया है, जोड़ा है का मतलब ये, तो उसे घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा। इसे साधारण शब्द में कहें तो हम एक्स को कह सकते हैं कि बाहर से आती आय, आती आय और अंदर से जाती आय, तो हम भारत को उदाहरण ले रहे हैं, तो भारतीयों ने जो पूरी दुनिया में कमाया वो बाहर से आती आय हो जाएगी, उसे हम जोड़ देंगे जीडीपी में, और ये यम जो है विदेशों द्वारा देश में अर्जित आय, तो ये अंदर से जाती आय, यहां बाहर से जो आय जा रही है उसे घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। इस बात को एक दूसरे तरीके से और हम समझते हैं कि अगर कोई देश है जिसका एक्स और एम दोनों बराबर है, एक्स बराबर एम है,
यानी उस देश के नागरिक पूरी दुनिया में जितना कमाते हैं उतना ही उस देश के अंदर विदेशी नागरिक कमाते हैं, तो उसका जो बाहर से आती मुद्रा है वो और जो अंदर से बाहर जा रही है मुद्रा, ठीक है, अंदर से जाती आय जो है ये दोनों बराबर है। अगर ये x और m बराबर है तो इसका क्या मतलब होगा? सीधा मतलब होगा कि जीडीपी बराबर जीएनपी, जीडीपी बराबर जीएनपी, ये आ जाएगा। अच्छा, एक और हम समझे कि अगर कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, हालांकि वास्तव में इस समय दुनिया में कोई बंद अर्थव्यवस्था है नहीं, उत्तर कोरिया भी नहीं है, सबका जो है कहीं ना कहीं से व्यापार चल रहा है, कोई बंद अर्थव्यवस्था नहीं, लेकिन मान लीजिए एक बार कोई अगर कोई बंद अर्थव्यवस्था है, यानी जिसके जिस देश के नागरिक विदेशों में काम नहीं करते, नहीं रहते, और जिस देश के अंदर कोई जो है विदेशी नहीं रहता, ऐसा कोई देश है जिसके नागरिक ना तो विदेशों में रहते हैं, ना व्यापार करते हैं, और ना तो जो है विदेशी नागरिक उस देश में रहते हैं, तो ऐसे समय में जो है इस देश में क्या होगा? जीडीपी बराबर जीएनपी, भाई उसकी जो जीडीपी होगी वही उसकी जीएनपी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, तो अब इसे मैं जो है मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम समझते हैं एनडीपी को। एनडीपी किसे कहते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये क्या था? जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हिंदी में कहें तो थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद और इसे कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो अब इसको समझ लीजिए। देखिए, उत्पादन में जो फैक्टर्स लगे होते हैं, जो कारक होते हैं उत्पादन के, समय के साथ धीरे धीरे करके उनके मूल्य में ह्रास होता है, कमी आती है, जिसे हम डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। बड़ा आप लोगों ने शब्द सुना होगा, डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। जैसे एक मशीन है, अगर उत्पादन में वो लगी है तो समय के साथ उस मशीन के मूल्य में क्या होता है? कमी आती है, टूट फूट होती है, तो उसका वैल्यू डिप्रिसिएट होता है। जनरल एग्जाम्पल से हम समझें तो जैसे एक ट्रक है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो 2 साल के बाद जब 10 लाख का वो खरीदा गया, उसके बाद 2 साल बीता, तो उसके मूल्य में क्या होता है? कमी होती है। आप एक कार खरीद के लाते हैं 8 लाख रुपए का, 1 साल के बाद ही उसका वैल्यू 6 लाख रुपए हो जाता है। तो जो भी वस्तुएं हैं उनका मूल्य क्या होता है? डिप्रिसिएट होता है, उनके मूल्य में ह्रास होती आती है, उनके मूल्य में कमी आती है। तो उसी को हिंदी में हम घिसावट कहते हैं, डेप्रिसिएशन को हम क्या कहते हैं? घिसावट कहते हैं। तो जब भी हम अपने जीडीपी को जो है मेजर करते हैं तो हमें एक बात का यह ध्यान देना होता है कि उसमें तो हम सब चीजों को के वैल्यू को जोड़ लिए, जो भी हमने उत्पादन किया और जो भी हमारी सर्विस और वो जो है गुड्स का उत्पादन हुआ उसमें जोड़ लिए, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है? वो हानि है, उत्पादन में तो लगा है लेकिन डेप्रिसिएट कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें जो है ग्रास से नेट पर आने के लिए उस डेप्रिसिएशन को घटाना होता है, ताकि जो है हमें एक्चुअल फिगर पता चले कि नहीं जो है उत्पादन में क्या हुआ। तो इसीलिए जो है ग्रास से हमें नेट निकालने के लिए वो जो मूल्यह्रास है उसे घटाना पड़ता है। जनरली जो है आप समझ रहे हैं मूल्यह्रास हर चीज में होता है, और ये जैसे एक फिगर होता है, जैसे एक ट्रक है तो यह पता किया जाता है कि इसका जो है जीवन 10 वर्ष होगा, ठीक है, 10 वर्ष, और इसका मूल्य है 10 लाख, तो इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष इसके मूल्य में कमी आएगी। इसी प्रकार से मकान है, उसकी वैल्यू 50 लाख है। देखिए, जमीन का रेट तो बढ़ता ही है लेकिन बिल्डिंग जो बनी है उस पर उसका रेट घटता है। तो एक बिल्डिंग है उसका कीमत 50 लाख रुपए है, तो यह माना जाता है कि 50 साल चलेगी जीवन उसका, तो यह माना जाता है कि 1 लाख रुपए हर साल डेप्रिसिएट करेगी, इसके मूल्य में
कमी आएगी। ठीक है, तो ये कहने की बात नहीं है, केंद्रीय उद्योग मंत्रालय पूरा प्रॉपर लिस्टिंग निकालता है कि इस आइटम में इतना परसेंट डेप्रिसिएशन होगा एक वर्ष में, इस आइटम में इतना डेप्रिसिएशन, इस आइटम में इतना, इस आइटम में, ऐसे करके प्रॉपर निकालता होगा। आप लोग अगर गाड़ियों का बीमा करवाने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि पहले साल उसका वैल्यू अलग होता है, फिर दूसरे साल समय बीतते बीतते कम कम होता चला जाता है, वो सब वैल्यू उसका आंकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डेप्रिसिएशन समझ लिया। तो अब क्या करना है हमको, जीडीपी से हमको एनडीपी में जाने के लिए बस एक काम करना है, बहुत आसान काम है, वही जो मूल्यह्रास हुआ है, जो डेप्रिसिएशन है उसको हमको घटा देना है। तो जीडीपी माइनस घिसावट, ठीक है, हिंदी के भी शब्द कुछ आप लोगों को जानने चाहिए, डेप्रिसिएशन है ये, इसे घिसावट कहते हैं हिंदी में, टूट फूट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस घिसावट, तो हमें क्या मिल गई, एनडीपी। उसी प्रकार से जीडीपी में से घिसावट घटाने पर एनडीपी मिला, उसी प्रकार से जीएनपी में से घिसावट घटा देंगे तो एनएनपी आ जाएगा। तो एनएनपी बराबर, एनएनपी कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट को। ठीक है, तो जीएनपी और माइनस घिसावट, तो हमें मिल गया एनएनपी, और यही एनएनपी फैक्टर कास्ट पर होता है एनआई, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, और इसी के बटे अगर हम कर देते हैं जनसंख्या, या फिर इसी पर कर दीजिए, हो सकता है कंफ्यूज आप लोग हो जाएं, तो हमारा आ जाता है पीसीआई, जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, जो मैंने यहां लिखा है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश के लोगों को प्राप्त होने वाली औसत आय को पीसीआई कहते हैं। तो ये औसत आय है कि हमने, हमारा जो पूरा राष्ट्रीय आय है उसके बटा हमने जनसंख्या में बांट दिया, तो हमें क्या मिल गया, पर कैपिटा इनकम मिल गई, प्रति व्यक्ति की आय कितनी है वो हमको जो है इससे प्राप्त हो गई। तो इतना हमने समझ लिया। अब इससे कुछ लर्निंग बताता हूं जो सीधे सीधे परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। देखिए, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को जीडीपी के जरिए जो है मेजर किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा फिगर जो है हमें मिलता है एनएनपी से, या फिर हम जीएनपी भी कह सकते हैं, वो घिसावट को घटाकर ही है, इतना आप समझते चलिए। देखिए, तो एनडीपी एनएनपी ऐसा क्यों है, देखिए आज वैश्वीकरण है और एक देश के अंदर कई देश की कंपनियां काम कर रही, बड़ी बड़ी एमएनसी जो है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो ऐसा भी किसी देश में हो सकता है कि उसके देश में जो ज्यादातर उत्पाद है उसका उत्पादन विदेशी कंपनियां करती हूं। जैसे अभी पाकिस्तान का ही एक उदाहरण ले लीजिए, तो चाइना लगभग छा गया है, तो पता चले कि चाइनीज ही सब उत्पादन कर रहे हैं, सुई से लेकर के जहाज तक पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की जीडीपी तो हमको ज्यादा दिखेगी। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर चीनी करें, जापानी करें, भारतीय करें, जो भी उत्पादन करेगा वो किसकी जीडीपी होगी, चीन की, पाकिस्तान की जीडीपी होगी। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक समृद्धि आपको तब पता चलेगी जबकि पाकिस्तानियों द्वारा उत्पादन हो, तो वो कहां हमको पता चलेगा, एनएनपी में। जैसा कि मैंने बताया ना कि भारत भर के या किसी भी देश के नागरिक पूरी दुनिया में जो कमाते हैं वो जीएनपी होता है, तो इसका मतलब यह है कि यह हमें ठीक फिगर देगा कि नहीं, भारत या पाकिस्तान के लोगों ने जो है क्या कमाया। ऐसा तो नहीं कि इनके देश में सब विदेशी कंपनियां चल रही हैं और वही जीडीपी बना रहे हैं, तो एक कागज दिखा रहे हैं कि जीडीपी हमारा बहुत बड़ा, जीडीपी बड़ा बड़ा, लेकिन एक्चुअल में उस देश के नागरिकों ने क्या पैदा किया उससे उस देश की समृद्धि का पता चलेगा। ठीक है, लेकिन एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट में भी एक कमी होती है, वो ये कि ये जनसंख्या को छुपा कर लेता है। जनसंख्या को कैसे छुपा लेता है कि भाई जी ए, जो है एनडीपी एनएनपी या जीडीपी देख करके आप नागरिक
की स्थिति क्या है उस देश में, उसके समृद्धि की स्थिति क्या है आपको पता नहीं चलेगा। एक उदाहरण आप ले लीजिए, एक देश है फ्रांस, ठीक है, यहां की जीडीपी है 1,00,000 रुपए। इस देश की जीडीपी फ्रांस की है 1,00,000 रुपए, यहां पर रहते हैं 50 लोग, ठीक है, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आया जीडीपी 2,000, इसे आप एनएनपी मान ले या एनआई मान ले, तो पर कैपिटा इनकम कितना आया 2,000। एक और देश है भारत, यहां पर जो है ठीक है, इसे मान लेते हैं हम 5,00,000, ठीक है 5,00,000, यहां की जीडीपी है कहां की है भारत की, और यहां पर रहने वाले लोग कितने हैं 1,000, यानी यहां की जनसंख्या है 1,000, ठीक है, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी जीडीपी आई 500। तो अगर केवल जीडीपी या एनएनपी देख करके कहना होगा तो हम ये कहेंगे कि फ्रांस की जो राष्ट्रीय आय है उससे भारत की राष्ट्रीय आय 5 गुना अधिक है, 5 गुना, 1,00,000, ये क्या है 5,00,000। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि वहां के नागरिकों के हाथ में कितना पैसा गया या फिर जो है उनकी पर्सनल आय क्या है, एक एक नागरिक की औसत आय, तो हम देखते हैं कि यहां तो 2,000 है और भारत में क्या है 500। तो हम यहां देखते हैं कि 4 गुने का अंतर है प्रति व्यक्ति। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि बहुत बड़ी जीडीपी को, एनएनपी को जनसंख्या खा जाती है। भारत इस समय, अभी आईएमएफ का जो लेटेस्ट डाटा आया है उसमें मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, बड़े डिटेल में हमने चार्ट बनाया है, इसमें हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है उसके मेथड को देखेंगे, उसके बाद एक कंपैरिजन हम करेंगे अगले लेक्चर में अमेरिका, चीन और भारत के जीडीपी के बीच जो है, और उन सब चीजों को समझेंगे, तो हमें एक बात जो है समझ में आएगा कि हमारी पीसीआई बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम, और इसका कारण है कि हमारी इतनी विशाल जनसंख्या है कि हम जो है इसी में फंस कर रह जाते हैं। तो अभी जो आईएमएफ का आया है इस्टीमेट, उसमें भारत को दुनिया में 5वें नंबर पर रखा गया, तो भारत ने ओवरटेक कर दिया, खुशी की बात है, यूके को, यूनाइटेड किंगडम को और फ्रांस को, अब वो जर्मनी के नीचे है भारत जो है। और पीपीपी की बात करें जो ये है, हम आगे अगले लेक्चर में समझेंगे कि पीपीपी क्या होता है, तो भारत दूसरे पोजीशन पर पहुंच गया है, लेकिन इतना ज्यादा जो है जीडीपी में ग्रोथ करने के बाद भी हमारा पीसीआई क्या है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, 130 करोड़ से भाग देना है तो क्या बचता है, ये बड़े बड़े अमाउंट खत्म हो जाते हैं तुरंत, ठीक है, बहुत डिटेल में बात हो गई, तो परीक्षा में आपका दिमाग चलेगा ऐसा मैं मानता हूं। ये सब आपने समझ लिया, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीसीआई। तो अब आइए नॉमिनल जीडीपी को समझें और रियल जीडीपी को समझें थोड़ा सा। अब जो है मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यह किसी को जल्दी समझ में नहीं आती है, तो मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम आपको समझ में आ जाए। तो यहां मैंने लिखा है, उसको जो है हम एक बार पढ़ लें फिर मैं समझाता हूं। नॉमिनल जीडीपी, जिसे हिंदी में नाम मात्र जीडीपी कहते हैं, यही जीडीपी है, जीडीपी एट करेंट प्राइस, जीडीपी एट करेंट प्राइस, यह है नॉमिनल जीडीपी। एक जीडीपी होती है रियल जीडीपी, जिसे हम कहते हैं वास्तविक जीडीपी हिंदी में, और जिसे हम कहते हैं जीडीपी एट कंस्टेंट प्राइस। तो इसका मतलब यह होता है, देखिए ये जो करंट प्राइस है, इसका मतलब है कि मार्केट में जो इस समय मौजूदा प्राइस चल रही है, करंट समय में, हालिया समय में, वो प्राइस। और कंस्टेंट प्राइस का मतलब होता है कि हमें एक बेस ईयर बनाते हैं और उस बेस ईयर पर जाकर के हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, और जब हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई
यानी मुद्रा स्फीति को जब एडजस्ट कर लेते हैं बेस ईयर पर जाकर के, तो हमें रियल जीडीपी मिल जाती है। यहां देखिए जीडीपी का वह आंकड़ा जिसमें मुद्रा स्फीति को समायोजित यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई को समायोजित नहीं किया गया है, और रियल में लिखा है जीडीपी का वह आंकड़ा जिसमें मुद्रा स्फीति को समायोजित कर लिया गया है। तो अब इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ज्यादातर लोगों को यह समझ नहीं आता है। तो मान लीजिए एक देश है ए, ठीक है, एक देश है ए, ये मान लीजिए बचपन में बहुत मान करके सवाल आप लगाए होंगे, तो मेरी भी एक बात मान लीजिए। तो ये आपने मान लीजिए कि एक देश है ए, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपने मान ली, तो एक बात और मेरी मान लीजिए कि उस देश में केवल सेब उगाए जाते हैं, यानी एप्पल की खेती होती है और किसी चीज की कुछ भी नहीं उस देश में जो है उत्पादित होता है, केवल एक चीज उत्पादित होती है, उसका नाम है सेब, ठीक है। तो सेब का उत्पादन होता है, एप्पल का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जितना सेब का उत्पादन होगा वही जीडीपी होगी, क्योंकि उस देश में एक ही प्रोडक्ट है और देश का नाम ए है, ठीक है। तो अब हम एक समीकरण बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको चीजों को समझाता हूं, ठीक है। तो हम लिखते हैं मात्रा मूल्य जीडीपी, ईयर लिख लेते हैं 2011-12, 2014-15, 2016-17, ठीक है, यह हमने ईयर ले लिया। अब हम जो है देखते हैं तो 100 पीस यानी 100 सेब जो है 2011-12 में इस देश में उत्पादित हुए, और एक सेब का मूल्य था 8 रुपए। तो अब जीडीपी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे कि क्वांटिटी से प्राइस का गुणा कर देंगे, क्वांटिटी से प्राइस की का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800। तो इस देश की टोटल जीडीपी कितनी हो गई, 800 2011-12 में, ठीक है। फिर हम अगला लेते हैं, इस बार 110 पीस जो है सेब का उत्पादन हुआ, मूल्य बढ़ गया यानी इन्फ्लेशन आ गया, यानी महंगाई बढ़ गई, यानी मुद्रा स्फीति बढ़ गई। अब जो है हम देखते हैं तो ये 1100 हो गया, इसमें गुणा करेंगे ये 1100 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले साल आते हैं 2016-17 में, तो इस बार जो है 120 सेब का उत्पादन हुआ, और फिर इन्फ्लेशन के कारण महंगाई बढ़ गई, अब हो गया 12, तो अब जो है कुल 1440 हो गया, ठीक है। मात्रा मूल्य जीडीपी और वर्ष हमने देख लिया, ठीक है। तो एक बार हम कंपेरिजन करते हैं, देखिए 100 मात्रा थी, मूल्य 8 रुपए था 2011-12 में, तो जीडीपी बनी 800। अब क्या हुआ कि केवल 10 पीस बढ़ गया, उत्पादन कितना बढ़ा 14-15 में, 2011-12 से केवल 10 पीस ज्यादा सेब उगे, लेकिन वैल्यू में कितना अंतर आ गया फाइनल जीडीपी में, 1100। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इन्फ्लेशन आ गया, 10 रुपए पहले 8 मूल्य था, अब क्या हो गया 10 हो गया, इससे ये हो गया 1100, जबकि ये एग्जैक्ट 1100 से कम होना चाहिए अगर ये 8 रुपए की कीमत पर होगा। तो रियल जो ग्रोथ हुई, जो उत्पादन हुआ, वो कितना हुआ, केवल 10 ज्यादा। अगर इस रेट पर हम देखें तो 80 रुपए ज्यादा हो गया, तो ये 880 रुपए हो जाएगा, लेकिन ये 1100 हो गया, क्यों, क्योंकि मूल्य बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहां कितना वृद्धि हुई, इससे केवल 20, केवल 20 अधिक सेब हो गए, लेकिन फिर मूल्य बढ़ गया और ये कितना हो गया 1440। तो ये जो 800 है ये नॉमिनल है, नाम मात्र, ये भी नॉमिनल है और ये भी नॉमिनल है, इसी को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी,
यानी करेंट प्राइस पर जो जीडीपी तैयार हो गई कि भाई 2016-17 में सेव का मूल्य 12 रुपए था और 120 पीस इन्होंने बेचा तो इतना आ गया, 2014-15 में सेव का मूल्य 10 था, ये करेंट प्राइस हो गया, उसके हिसाब से नॉमिनल जीडीपी निकल गई। लेकिन क्या इस आंकड़े को सही माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं सही माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि 100 से केवल 20 पीस ज्यादा सेव होगा और यहां पर जीडीपी में अंतर इतना ज्यादा आ गया, तो ये इस क्यों हुआ? क्योंकि महंगाई बढ़ती चली गई, 8 रुपए से 12 रुपए हो गया, 150% की बढ़ोतरी हो गई इसमें। तो हम एक बेस ईयर मानते हैं, एक ऐसा ईयर हम बनाते हैं जिस वर्ष मूल्यों में बहुत उतार चढ़ाव न हो, सब सामान्य हो, ऐसे एक वर्ष को सरकार चुन लेती है बेस ईयर के रूप में। तो आपके जीके के लिए मैं बता देता हूं, फिर इसको समझाता हूं कि इस समय जो बेस ईयर है वो भारत में है 2011-12, इसे 2015 में भारत की सरकार ने एडॉप्ट किया था। अभी एक चर्चा कुछ ही दिन पहले हुई कि सरकार ये कह रही है कि 2016-17 को बेस ईयर बनाया जाए, तो उस पर पूरा जो है कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि सरकार आंकड़ा बदलना चाहती है या क्या करना चाहती है। इससे पहले 2004-05 था, तो मतलब जो है ये हमेशा से एक बेस ईयर हम बनाते हैं। अब जैसे 4-5 था, उसके बाद 11-12 हो गया, फिर आगे जाकर के चेंज होगा, तो एक बेस ईयर हम बनाते हैं ताकि हम जो है इन्फ्लेशन को माप पाएं कि क्या बढ़ोतरी हुई। तो इस समय जो हमारे देश में आधार वर्ष जिसे हिंदी में कहते हैं वो है 2011-12, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें एक्चुअल जीडीपी निकालने के लिए, रियल जीडीपी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो है उस मूल्य को लेना होगा जो कि बेस ईयर में तय किया गया है। तो बेस ईयर अगर इसे माना जाए, इसको हमने एक चार्ट माने, तो बेस ईयर 2011-12 भारत का भी है और इस का भी, भारत जो अभी ये देश ए है इसका भी बेस ईयर 2011-12 है, ठीक है। तो 2011-12 में मूल्य कितना था? 8 रुपए था ना, यही मूल्य था ना। तो अब अगर हमें 2016-17 में रियल ग्रोथ देखनी हो, यानी रियल जीडीपी देखनी हो, तो हम क्या करेंगे, 120 में गुणा करेंगे 8 का और ये हमारा रियल जीडीपी, ठीक ना। यही तो बढ़ोतरी हुई ना। आप देखिए ना, हमारे उत्पादन में क्या बढ़ोतरी हुई, भले ही ये 1440 हो गया लेकिन उत्पादन में क्या बढ़ोतरी हुई, केवल 20 का ना। तो 1 का 8 कीमत है, तो जो है ये हमारा 160 की ही वृद्धि हुई ना, इस रेट से देखिए तो। यही ना हमारा ऐड हुआ जो है, ये 100 तो था ही उत्पादन, 20 बढ़ गया, तो हमारा ऐड तो यही हुआ ना। तो हम जो है 800 प्लस 160 कर देंगे, ये 960 हो जाएगा। तो यही हमारा रियल जीडीपी है। ये सब क्या है? नॉमिनल जीडीपी है, जिसे हम कहते हैं जीडीपी करेंट प्राइस, और ये है रियल जीडीपी। ये बताएगी कि क्या सच में उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ेगा। ये सब तो भ्रामक हो जाएंगे। पता चला उत्पादन बढ़ा केवल 20 सेव का और यहां पर जो है जीडीपी हम देख रहे हैं तो लगभग दुगुने होने की तरफ जा रही है। तो ये है, ठीक है। अब एक आता है जीडीपी पीपीपी, तो अगले लेक्चर में पूरा मैं जब कंपेरिजन करूंगा इंडिया, चाइना, अमेरिका, और पूरा डिटेल में जो है हम बात करेंगे और हम देखना चाहेंगे कि इस जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो पूरा जो है इसे लेकर के हम देखेंगे। तो अगले लेक्चर को जो है जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो उस हिसाब से कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, अगर हो सके तो इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।